सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम पेरोल पर बाहर आते ही सुर्खियां बटोरने लगा है। राम रहीम ने सोमवार को तलवार से केक काटा। मौका था डेरे के दूसरे संत शाह सतनाम के जन्मदिन का। उसी को राम रहीम ने अपनी गद्दी सौंपी थी। केक काटने का वीडियो बागपत स्थित बरनावा डेरे का है। यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। रेप और हत्या का दोषी राम रहीम रोहतक की सुनरिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है। वह पिछले 14 महीने में चौथी बार पेरोल पर बाहर आया है। 21 जनवरी को उसे 40 दिन की पेरोल मिली है। बाहर आने के बाद राम रहीम ने 5 घंटे तक ऑनलाइन सत्संग किया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के OSD भाजपा के सांसद विधायक भी जुड़े हुए थे। जो वीडियो सामने आया है उसमें राम रहीम कह रहा है कि इस तरह से जश्न मनाने का मौका 5 साल बाद मिला है। मुझे कम से कम 5 केक काटने चाहिए और ये पहला केक है। राम रहीम के सत्संग में हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर के OSD कृष्ण बेदी और राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार भी सिरसा पहुंचे थे। दोनों ने राम रहीम से बात की। OSD कृष्ण बेदी ने कहा कि 3 फरवरी को नरवाना में होने वाले संत रविदास जयंती समारोह का न्योता देने सिरसा आए हुए हैं। राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार ने कहा कि पानीपत में पहले स्वच्छता अभियान चलाया था, वह मुझे याद है, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। सिरसा से भाजपा नेता गोविंद कांडा ने भी कहा कि भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द आपको जेल से बाहर निकालें, श्री कृष्ण जी आपको जल्दी सिरसा लेकर आएंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देख न्यूज़।